अब बात उस खून की जो जब तक नसों में दौड़ता है इंसान चलता है और जब दौड़ना बंद कर दे तो इंसान ठंडा पड़ जाता है यानी मर जाता है। लेकिन अगर कोई आपके नसों में खून की जगह रंगीन पानी पहुंचाने की साजिश रचे यानी आपको मारने की, वो भी संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में, तो क्या होगा? यकीनन आज बात भरतपुर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल की यानी आरपीएम अस्पताल की, जहां पिछले एक साल में मासूम की नसों से खून निकालने की शर्मनाक घटना से लेकर नसों तक रंगीन पानी पहुंचाने की वारदात की कोशिश तक सब कुछ हुआ, लेकिन आरोपी कभी भी गिरफ्तार नहीं हुआ। लेकिन ये खेल कैसे और कब खेला जाता है ये आज हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे कैसे खून के बदले मिलता है पानी। एक एक करके तस्वीरें आपको दिखाने शुरू करें उससे पहले आपको तीन तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, एक साल के दौरान वहां पर क्या कुछ हुआ है जरा देखिए। ये तीन तस्वीरें यहां पर है खून के बदले पानी। पहली तस्वीर 30 अप्रैल 2014 की, जहां पर एक मासूम के नसों से खून निकाला जाता है और इस दौरान अस्पताल के कर्मचारी भी इसमें शामिल होते हैं। एक साल लगभग हो चला है, अप्रैल 2015 इस वक्त चल रहा है, लेकिन कोई एक्शन यहां पर नहीं लिया गया, महज मुकदमा दर्ज करके इसको छोड़ दिया गया। दूसरी तस्वीर आज से 12 दिन पहले की है, यानी कि 4 अप्रैल 2014 की है। यहां पर मरीज की पत्नी एडमिट होती है, कैंसर उसको होता है, लेकिन इस दौरान अस्पताल के अंदर से एक ऐसा शख्स होता है जो नकली खून उसको देता है और उसके दौरान आरोपी अभी तक पकड़ा नहीं गया, एफआईआर दर्ज की गई, जबकि सीसीटीवी कैमरे वहां पर लगे हुए हैं। इस दौरान रंगीन पानी मरीज को थमाया जाता है और बदले में 4500 रुपए लिए जाते हैं। तीसरी तस्वीर यहां पर आज की है, 16 अप्रैल 2014 की। एक बार फिर से वही सब कुछ यहां पर सामने आता है, सीसीटीवी कैमरे को यहां पर भी देखने की कोशिश की जाती है। आज फिर एक मरीज को खून थमाया जाता है, लेकिन वो भी दरअसल रंगीन पानी होता है, यानी खून के बदले लगातार यहां पर रंगीन पानी थमाने की वारदात हो रही है, लेकिन एक्शन यहां पर नहीं हो रहा है। तो आपको हमने तीन तस्वीरें दिखाई, मासूम की नसों से खून निकालने से लेकर नसों में रंगीन पानी भरने तक की कोशिश, यहां पर सब कुछ नजर आया, लेकिन किस तरीके से यह होता है यह अब हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। और इसके पीछे की वजह क्या लापरवाही है, मिलीभगत है या फिर कुछ और, यह रिपोर्ट देखिए। जिंदगी बचाने के नाम पर खेला जाता है मौत का खेल। जिले के सबसे बड़े अस्पताल सबसे बड़ी साजिश, नसों में लहू दौड़ाने के नाम पर थमाया जाता है रंगीन पानी। इंसानियत और सहायता के नाम पर ठगे जाते हैं हजारों रुपए। खुले आम होता है यहाँ पर खून के नाम पर मौत का कारोबार। 10 दिन में दूसरी बार खून के नाम पर थमा दिया रंगीन पानी। अंधे हुए पुलिस प्रशासन और अस्पताल के अधिकारी। ये है भरतपुर जिले का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल। मरीज जिंदगी और मौत के बीच यहाँ पर पहुँचते हैं इस उम्मीद में कि उनका लहू जमने नहीं दिया जाएगा, यानी कि उनको मरने नहीं दिया जाएगा। लेकिन जब यहाँ मरीजों को लहू के बदले पानी मिलने लगा और नसों में खून की जगह पानी दौड़ाने की कोशिश की जाए तो सोचकर ही कईयों का खून जम जाए। लेकिन यहाँ पिछले एक साल से खून का खूनी खेल चल रहा है। ये जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है और पैसों के नाम पर जो खूनी साजिश यहाँ पर रची जा रही है
वो प्रदेश के किसी कोने में दिखाई नहीं दी। यहाँ खून के बदले रंगीन पानी मरीजों को दिया जा रहा है, लेकिन क्या ये सब अस्पताल प्रशासन की मिलीभगत के साथ चल रहा है? क्या इसके बदले रंगीन पानी के सौदागर अस्पताल में किसी को पैसा खिलाते हैं ताकि उनको इनकी भनक पड़ जाए कि किसको खून की जरूरत है, ताकि जिंदगी की जरूरत के बदले मौत का खेल रच खून के बदले पानी इनके हाथों में थमाया जा सके? यकीनन यहाँ यही चल रहा है और रोकने वाला कोई नहीं है। सवाल ये भी है कि क्या पुलिस की भी मिलीभगत इसमें है, या फिर क्या पुलिस इस मामले पर गंभीर नहीं है? एक एक करके हम आपको दिखाएंगे कैसे यहाँ एक 12 साल के बच्चे के शरीर के खून निकालने के कारोबार से लेकर मरीज को खून के बदले पानी थमाने तक का खूनी खेल खुले आम खेला जाता है और खून के सौदागर गिरफ्त में नहीं आते। तो भरतपुर के इस सबसे बड़े अस्पताल में खूनी खेल कोई नई बात नहीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर बार की तरह ये कहना कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन पकड़ा जाएगा या नहीं ये कोई नहीं जानता। यकीन मानिए आपको दिखाते हैं यहां पर कब कब खूनी खेल खेला गया और कार्रवाई क्या कुछ हुई, जरा देखिए। तारीख 30 अप्रैल 2014, जगह भरतपुर जिला अस्पताल। अपराध नाबालिग का खून निकालना, लालच 500 रुपए का लालच दी। 30 अप्रैल 2014 को इसी अस्पताल में महज 500 रुपए का लालच देकर नाबालिग बच्चों का खून निकाला गया और खून का शर्मसार कर देने वाला खेल अस्पताल में सक्रिय दलाल और अस्पताल के कर्मचारी मिलकर खेल रहे थे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जांच के आदेश दे दिए थे और आरोपियों के खिलाफ पुलिस में मामला भी दर्ज कराने की बात कही गई, लेकिन जांच में क्या हुआ आज तक खुलासा नहीं हुआ। 14 साल के पुष्पेंद्र को तबियत खराब होने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया और लड़के की मां ने बताया कि उसका लड़का बस स्टैंड पर खेल रहा था, तभी खून का दलाल सोनू नामक व्यक्ति उसके 14 साल के बच्चे राजू को अस्पताल लाया और 500 रुपए का लालच देकर अस्पताल कर्मियों की साठगांठ से उसका खून निकाल लिया गया। या स्टाफ नहीं है, खून लेके सोनू नाम का लड़का है, माने खून दबाया, या खून दबाया हमारे घर सूचना पहुंची है, हम यहाँ आते उठा के ले गए कल एतवार पर गो, एतवार में हमने ये भर्ती ना कराया, अब यहाँ की हालत खराब है, यही सुई सुई रोक लेते परे, ये मत बोलिए जूस भी लो, हमका चुखाया भी। जब बच्चे को गहरी नींद आने लगी तब जाकर बच्चे के परिजनों ने पूछताछ की और राजू ने पूरा घटनाक्रम बता दिया। मासूम राजू ने बताया कि ब्लड निकलवाते समय दलाल ने उसका नाम उमेश लिखवाया था और उसी दिन उसी दलाल ने उसके दूसरे साथी मनीष का भी खून निकलवाया। उसने बोला कि पैसे दूंगा तो खून दे दे, मैंने ठीक है, फिर मैं भीतर आ गया, उसने अपने कागज अपने आप भरवाए, मैंने उसने पूछा मेरे से चैन करा लाया तो मेरे ले लिया, बाहर जाके चक्कर आ गए, मैं गिर पड़ा तो मेरे घर एक विष्णु नाम का लड़का है, उसने मेरे घर सूचना दी, मेरे घर वाले ले गए मेरे को कल सुबह, तो मैं कल से सो रहा हूँ, तो अब जगह खिलाए मिलाया हूँ मैं घर वालों ने, तो मैं यहाँ पे आया। इसके बाद इस मुद्दे पर राजनीति भी खूब हुई, बयानबाजी भी जमकर हुई, लेकिन कार्रवाई क्या हुई कोई नहीं जानता, या ये कहें कि हर कोई जानता है, वही ढाक के तीन पात नजर आए। लेकिन उस दौरान इस मुद्दे को एक साल हो गया, लेकिन ना तो अस्पताल के अंदर के कर्मचारियों पर कोई एक्शन लिया गया और ना ही बाहर के गुनहगारों को पकड़ा गया, और शायद यही वजह है कि खून के सौदागरों के हौसले बुलंद होते चले गए और अब वो अस्पताल में घुसकर मरीजों को अपने हाथ साथ ले जाते हैं और खून के बदले थमा देते हैं रंगीन पानी। जी हां, रंगीन पानी, जरा देखिए। तारीख 4 अप्रैल 2015, जगह भरतपुर जिला अस्पताल। अपराध, मरीज को बेचा नकली खून। धोखा, 4500 रुपए के बदले मिला नकली खून। कार्रवाई, अपराधी अभी भी गिरफ्त से दूर। ये वो अस्पताल है जहां अपराधी खुलेआम मरीजों को अपना शिकार बनाते हैं, लेकिन 12 दिन बीत जाने के बाद भी, सीसीटीवी कैमरे लगे होने के बाद भी, चिकित्सा मंत्री के आदेश के बाद भी,
मामला दर्ज होने के बाद भी, बेहद संगीन आरोप होने के बाद भी अपराधी पुलिस की गिरफ्त से दूर, या कहें कि इतना नजदीक कि पुलिस की आंखें उसे देखते वक्त धुंधला रही। तभी तो वो 12 दिन के अंदर फिर से अस्पताल में आता है, मरीज से मिलता है, अस्पताल के ब्लड बैंक तक जाता है, मरीज को अस्पताल से बाहर अपने साथ लाता है और एक बार फिर से मरीज को पैसों के बदले अपनी पत्नी की जिंदगी बचाने के लिए खून नहीं बल्कि धोखा मिलता है। तो सुना आपने कैसे एक मरीज के परिजन को गुमराह किया जाता है, लेकिन इस मामले में कार्रवाई की बात किस तरीके से की जाती थी, जरा ये भी सुनिए। किसी व्यक्ति ने जो है किसी मरीज के परिवारजनों को और जो है ब्लड की जगह रंग डाल करके कोई बोतल देती थी, नकली लेबल छपा के इसकी तफ्तीश मुझे मिली है, जांच तफ्तीश जारी है। तफ्तीश जारी है और अभी तक जारी है, लेकिन जांच के नाम पर क्या कुछ हुआ कहना मुश्किल है। लेकिन खून का खूनी खेल और खून के बदले रंगीन पानी बेचने का सिलसिला आज भी जारी है। बहरहाल चिकित्सा मंत्री के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर प्रशांत कुमार भरतपुर पहुंचे थे और जिला आरबीएम अस्पताल में नकली खून के मामले में जांच शुरू कर दी गई थी, जिसका अभी तक कोई नतीजा नहीं आया। तो ना तो बच्चे के खून निकालने के मामले में अभी तक कुछ हुआ और ना ही 12 दिन बीत जाने के बाद जो 4 अप्रैल को हुआ उस पर कोई एक्शन लिया गया। लेकिन क्या ये कहानी यहीं पर रुकती है? क्या खून के बदले जो पानी वहां पर मरीजों को दिया जा रहा है ये अब खत्म हो चला है? यकीन नहीं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं और उसके बाद आपको बताएंगे कि आज एक बार फिर से वहां पर क्या कुछ हुआ और एक बार फिर से पुलिस और प्रशासन क्या कुछ कहते हुए नजर आए। छोटे से ब्रेक के बाद।